नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, बाकेलाल के इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है धूम तारा। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। ओके, देख सकते हैं। ओके, बाल्यकाल से युवा काल तक बाकेलाल ने अनगिनत शरारतें की, मगर उसने जिसका भी बुरा चाहा, शंकर भगवान के वरदान के फलस्वरूप उसका हो गया भला और बाकेलाल को भी मिला अल्प लाभ। आज बाकेलाल की सबसे बड़ी इच्छा है विशालगढ़ का राजा बनना, जिसके लिए वो हर बार कोई योजना बनाता है और हर बार ही टूट जाती है उसकी योजना की टांग। इसी बात से क्रोधित होकर आज बाकेलाल प्रातः ही बादशाह पर सवार होकर निकल पड़ा था। आज तो बाकेलाल बड़े गुस्से में लग रहा है, जैसे आज ये किसी को पीट कर ही रहेगा। मगर मुझ पर ये गुस्सा नहीं चलेगा, मैं तो अपना काम करूंगा ही, यानी इसे गिराने का। चल नीचे आ। बाके जाकर गिरा, वहीं तपस्यारत एक ऋषि पीठाचार्य के ठीक सामने। आ, धम छपाक। बाकेलाल ने अपना थूथड़ा ऊपर किया तो ऋषि पीठाचार्य की हंसी छूट गई, और हंसी भी बड़ी भयंकर। पीटा पीटा ये ऋषि तो, और मरा बाकेलाल, क्योंकि बाके उसे पीटेगा तो ऋषि उसे शाप जरूर देगा। बाकेलाल पर जैसे दौड़ पड़ गया, उसने आंखों से कीचड़ तक साफ नहीं की, बिना देखे ऋषि पर पिल गया। धम धा धा बम। पीट और पीट बच्चा। यहां भी एक गुस्सा मार, यहां एक थप्पड़ मार। तब तक बाकेलाल की आंख पर पड़ी कीचड़ पसीने के साथ नीचे बह गई थी, और सहसा ही बांके के रोंगटे भय से खड़े हो गए। अरे बाप रे, ये मैंने किसे पीट दिया? ऋषि को? अब ये मुझे श्राप दिए बिना नहीं छोड़ेगा। अभी बाकेलाल वहां से भागने की सोच ही रहा था कि तू और नहीं पीटना चाहता तो कोई बात नहीं, मगर मैं तुझ पर प्रसन्न हुआ वत्स। क्या नाम है तेरा? बाकेलाल। बांकेलाल, मेरा नाम ऋषि पीटाचार्य है। बांकेलाल, ये दुनिया बड़ी स्वार्थी है, बताता हूं कैसे। कुछ दिनों पहले तक नगर के लोग मेरी 12 मास सेवा शुश्रूषा में जुटे रहते थे, और मैं प्रसन्न होकर उन्हें वर दे देता था। पुत्रवती भव। अरे, तुम उठकर कहाँ चल दी? अभी तो दूसरी टांग दबाना बाकी है। वर तो मिल गया, दूसरी टांग मैं घर जाकर अपने पति परमेश्वर की दबाऊंगी। एक दिन ये देखने के लिए लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं भक्त बनकर लोगों की भीड़ में जा बैठा। क्यों भैया, तुम यहाँ क्यों आए हो? सुना है कि ऋषि महाराज सेवा भाव से प्रसन्न होकर वर दे देते हैं। मैंने सोचा मैं भी उनकी एकाध टांग वर दबाऊं, वरना किसके पास समय धरा है सेवा का। मैंने तो अपने बाप के भी कभी सेवा नहीं की। भक्तिभाव से बैठे सभी लोगों के ऐसे विचार जानकर मैं क्रोध में भड़कर खड़ा हो गया। ओह, तो ये है तुम्हारा असली रूप, मगर आज मैं वर उसे दूंगा जो मुझे खूब पीटेगा। मैंने सोचा कि शर्मिंदा होकर मुझसे अपने अपनी भूल का क्षमा मांगेंगे, मगर लोगों ने तो बिना कुछ बोले मुझे सचमुच ही पीटना शुरू कर दिया। मारो मारो आ। तब तो मैं क्रोध एवं दर्द से थरथर कांप ही उठा। उस दिन से मैं वन में आकर तपस्या में डूब गया, और तब से अपने मूर्खता पर शुरू हुई मेरी हंसी आज तक नहीं रुकी है। आज के बाद जो मेरी सेवा करेगा उसे तो मैं दूंगा सांप, और जो बिना कारण पीटेगा उसे दूंगा वरदान, क्योंकि कम से कम उसकी पिटाई में स्वार्थ तो नहीं होगा। बाकेलाल, ले वरदान का जल पी ले। आज तू जो मांगेगा वो अगले 100 सालों में जरूर पूरा होगा। मैं तो विशालगढ़ का राजपाटी मांगूंगा। वाह, आज पहली बार मेरा हृदय किसी ऋषि को देखकर प्रसन्न हुआ है। बाकेलाल ने अंजलि में भर जल पिया। इसी के साथ जैसे उसके चक्षु भी तुरंत ही खुलते चले गए।
बेटा बाकेलाल, ये ऋषि तो तेरे भी बड़े काम का है। अब तू इसे मनुष्य मुच्छड़ के पास ले जाए और वो करे इसकी सेवा, और ये दे उसे मेवा के स्थान पर सांप, तो शायद आज ही बन जाए तेरा भी बिगड़ा काम। मन ही मन ये सोचकर बाकेलाल जल्दी से बोला, ऋषि महाराज, कृपया मेरे साथ महल चलें और महाराज को भी अपनी निस्वार्थ पिटाई का अवसर दें। क्या सच? क्या महाराज भी मेरी सेवा यानी पिटाई करेंगे? तब तो फिर तुरंत चलो। हाँ, बस मुंह धोकर चलता हूं। फिर जल्दी बाकेलाल ने ऋषि पीटाचार्य के साथ प्रवेश किया राजा विक्रम सिंह के कक्ष में। ऋषिवर, वो रहे महाराज, आगे बढ़िए। कंघी करते महाराज पलटे, अरे बाकेलाल तुम आओ आओ, और ये किसे साथ ले आए? ये तो कोई ऋषि लगता है। प्रणाम ऋषिवर, आइए पधारिए, खाइए पीजिए, लंबी डकार मारिए। अबे पीठ पीठ, मैं मन में कितनी जोर की बोल रहा हूं कि पीठ, वरना ये तुझे साप दे देगा। ऋषिवर, दूध लस्सी पिए बिना तो आप जाएंगे नहीं, मैं भी नहीं जाने दूंगा। दास, ठंडी लस्सी लाओ। जो आज्ञा महाराज। दूसरे पल क्रोध में भरा ऋषि जोरों से हंस पड़ा। बड़ी भयंकर थी उसकी क्रोध की हंसी। साफ, राजा विक्रम सिंह जा, मैंने तुझे साफ दिया जो कि फौरन लग जाएगा कि तेरे शरीर में अष्ट विकार हो जाए। क्या? मगर मैं की कसूर किता? पलक झपकते ही राजा विक्रम सिंह के शरीर में पैदा हो गए अष्ट विकार। अल्ले, ये मुद्दत त्या हो दिया बातेलाल, बातेलाल मैं बोल नहीं पा रहा। हाँ महाराज, आपका मुंह टेढ़ा हो गया है और जीभ भी। मेरे हाथों तो क्या हुआ बाकेलाल? एक तो टुंडा हो गया है महाराज, मेरे राजा बनने के बाद भीख मांगने के काम आएगा। और दूसरा बतख जैसा ही हो गया है बाकेलाल, मुझे दुनिया आदि दित लई है। जी हाँ महाराज, क्योंकि आपकी एक आंख सड़ गई है, बस कीड़े पड़ना बाकी है। हाय मेरा तान, अब तो ये महारानी जी को पंखा झुलाने के काम आएगा महाराज। बाकेलाल, मेरा एक पाँव टेढ़ा हो गया और दुतला घोले के खून में बदल गया। मगर महाराज, ये तो सात ही विकार हुए, शेष एक विकार कहां पर हुआ है? सहसा ही बाकेलाल की निगाहें गई विक्रम सिंह की पीठ पर। अरे महाराज, आपकी पीठ पर तो गेंडे जैसा सींग निकला हुआ है, चलो वस्त्र टांगने के काम आएगा। तुम वस्त्र टांगो, मैं चलता हूं। ये सब देखकर मोहक सिंह का क्रोध सातवें आसमान पर जा पहुंचा। टनाक, माता श्री, ये सब उस दुष्ट ऋषि के साप के कारण हुआ है, मैं अभी उसकी भी टाट में गुलेल मारकर विकार पैदा कर देता हूं। महारानी स्वर्णलता के भी क्रोध का ठिकाना ना रहा, यह दोष तो इसी लायक है पुत्र। और तब ऋषि पीठाचार्य ने उन्हें दिया वरदान, सुहागवती रहो पुत्री, बुद्धि में पूर्ण रूप से 15 वर्षों में युवा हो जाओ पुत्र। स्वर्णलता के आश्चर्य का ठिकाना न रहा, अरे ऋषिवर ने हमारी पिटाई से क्रोध होने के स्थान पर हमें वर दे दिया और मुझे तेवा के स्थान पर मेवा के स्थान पर थाप दे दिया था। मैं की कसूर किता? तब बाकेलाल ने बताया वो रहस्य, जिसे सुनने के बाद, ओह तो ये बात तुमने पहले महाराज को क्यों नहीं बताई? बाकेलाल, बता तो रहा था मन में मगर महाराज ने सुने ही नहीं। वो महारानी जी, मैं बताता उससे पहले ही महाराज ने ऋषि की सेवा शुरू कर दी, मगर अब महाराज ठीक कैसे होंगे? हाँ बातेलाल, कुछ तो तलो। ये मुसीबत बाकेलाल चाचा की बुलाई हुई है, उसका उपाय भी बाकेलाल चाचा को ही करना पड़ेगा माताश्री। हाँ, बाकेलाल कुछ करो। तभी राजदरबारियों एवं मंत्रियों की भीड़ भी उस संकट का पता चलते ही वहां पहुंची। बाकेलाल, अगर तुमने शीघ्र ही कुछ नहीं किया तो मैं कोप भवन में जाकर बैठ जाऊंगी और तुम्हें महाराज के साथ वनवास काटना पड़ेगा। तब तक मोहक सिंह राज्य की बागडोर संभालेगा।
मगर महारानी जी उसे तो पतंग की डोर भी संभालने नहीं आती। तब ऋषि पीठाचार्य ने कहा, महारानी जी इस श्राप के चलते जो भी इस राजगद्दी पर बैठेगा वो भी अष्ट विकार से पीड़ित हो जाएगा। अच्छा तो मैं चलता हूं। क्या इतना सुनना था कि बाघेलाल झट आगे बढ़ा और एक झंडाटेदार थप्पड़ जड़ा ऋषि पीठाचार्य के गाल पर। इस संकट का हल बताए बिना नहीं जाने दूंगा ऋषिवर। जा, नहीं बताता, नहीं तो फिर ये ले एक और। जा, नहीं बताता, नहीं तो फिर ये ले एक और। थड़ाक। चल बता देता हूं। इस संकट का हल मिलेगा परीलोक में। बाकेलाल, परियों की तलाश में जाओ। बाकेलाल, परियों की तलाश में जाओ। परियों को मैं कहाँ ढूंढूंगा? मेरे जाने का कोई फायदा नहीं, परियां मुझे देखकर डर जाएंगी। ठीक है महारानी जी, मैं संकट का उपाय यानी परियों को ढूंढने जाता हूं। मेरा की होगा दसो। उसी समय विशालगढ़ के वन के ठीक ऊपर से होकर गुजर रही थी सात परियां। बादलों के बीच मौजूद ओस की बूंदों के सेवन से हमारी त्वचा इतनी सुंदर एवं कोमल बनी रहती है, मगर इस प्रक्रिया में पंखों को परिलोक में ही छोड़कर आना पड़ता है, क्योंकि ओस की बूंदों से पंख गीले होकर खराब हो जाते हैं। और ओस की बूंदों का सेवन तो बहुत हो गया, अब हमें वापस लौटना चाहिए। लेकिन आज उन परियों की किस्मत में शायद वापस लौटना नहीं लिखा था। क्रिंच। अंधे के रास्ते में देखकर नहीं चलते क्या? घर। ओह, विशाल उकाब उड़न खटोले से टकरा गया। इसके नियंत्रण कल टूट गई और उड़न खटोला अनियंत्रित होकर तीव्र गति के साथ नीचे गिर रहा है। मगर इससे पहले कि परियां संभल पाती, एक तेज आवाज एवं एक तेज चीख गूंज उठी। धड़ाक। उस चीख को सुनकर परियां चौंक पड़ी। क्या तुमने भी किसी चीख का स्वर सुना था? हाँ, चीख आई तो थी जैसे कोई हमारे उड़न खटोले के नीचे आकर दब गया हो। हाँ, मैं दब गया हूं। सभी परियों ने जैसे तैसे उड़न खटोले को उठाकर एक ओर किया और फिर, ओह, ये तो कोई ऋषि है। सुना है पृथ्वी पर वास करने वाले ऋषि क्रोध आ जाने पर भयंकर श्राप दे देते हैं। इससे पहले कि ये ऋषि भी हमें कोई श्राप दे दे, इसकी सेवा करके इसे प्रसन्न कर लो। तुरंत फुरत ही सभी परियां तुरंत फुरत ही सभी परियां ऋषि पीठाचार्य की सेवा शुश्रूषा में जुट गई। आप कितने उदार हैं ऋषिवर। हाँ, और बहादुर भी। इतना बड़ा उड़न खटोला ऊपर गिरने के बाद भी सिर्फ एक ही बार चीखे। चलो, इसी बहाने आपके दर्शन हो गए और हमें आपकी सेवा का अवसर भी मिल गया। इस सेवा का परिणाम निकला ऋषि के क्रोध के रूप में। मुझ पर तुम उड़न खटोले सहित आ गिरी और मेरे शरीर में अष्ट विकार उत्पन्न हो गए। उससे तो मैं प्रसन्न हुआ था, मगर तुम्हारी सेवा ने मेरे क्रोध को बढ़ा दिया है, क्योंकि मैं सेवा करने वाले को देता हूँ श्राप और पिटाई करने वाले को वरदान। अब मैं तुम्हें देता हूँ श्राप। अब जा। अब जब तक मेरे अष्ट विकार दूर नहीं हो जाते, तुम भी परिलोक वापस नहीं जा पाओगी। अब सांप तो वापस हो ही नहीं सकता था, बेचारी परिया। अब सांप तो वापस हो ही नहीं सकता था, बेचारी परिया। तो क्या अब हमें पृथ्वी पर ही रहना होगा? हाँ, क्योंकि विकार नाशनी मणि तो परिलोक में है। जब तक कोई उसे वहां से लाकर इस ऋषि को ठीक नहीं कर देगा, तब तक हमें पृथ्वी पर ही रहना होगा। तो फिर चलो, इस ऋषि के आगे गिड़गिड़ाने से अच्छा है कि हम किसी ऐसे व्यक्ति की खोज करें जो कि परिलोक जाकर विकार नाशनी मणि ले आए। उधर से बाकेलाल भी तेजी के साथ आगे बढ़ा चला जा रहा था। पर यह ना मिली तो मनहूस की मृत्यु का भी कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि ऋषि पीठाचार्य के श्राप के कारण मैं अगर राजा बन भी गया तो अष्ट विकार से पीड़ित हो जाऊंगा। अबे क्या बुड़बुड़ कर रहा है? लगता है महारानी जी को घोड़े की भाषा सिखानी पड़ेगी ताकि उन्हें बाकेलाल की हकीकत बता सकूं। जबकि उसी समय वन में, आहा, भगवान विष्णु आप भक्त पर प्रसन्न हो गए, जल्दी से वर दो।
इच्छा जाहिर करो वत्स धूमतारा। प्रभु मेरी परी से विवाह की इच्छा है, मगर मुझ राक्षस से कौन परी विवाह करेगी, इसलिए मुझे हरि रूप दे ताकि मेरे सुरत पर प्रसन्न होकर कोई परी मुझसे विवाह के लिए तैयार हो जाए। अब तो भगवान विष्णु भी पड़ गए सोच में, ओह इस समय कुछ परिया वन में भटक रही है, अगर मैंने इसे हरि रूप प्रदान कर दिया तो ये जरूर उन्हीं में से किसी को विवाह के लिए चुनेगा, क्योंकि इसे यह वरदान प्राप्त है कि किसी परी से विवाह करते ही ये अमर हो जाएगा। यहां हरि का तत्पर्य विष्णु रूप से है, परंतु इसे वर देकर इसकी इच्छा तो पूर्ण करनी ही होगी, मुझे इसे हरि रूप प्रदान करना ही होगा, तो फिर मैं इसे कहता हूं तथास्तु, किंतु ध्यान रहे वत्स विवाह के लिए जबरदस्ती मत करना। हरि रूप प्राप्त कर राक्षस धूमतारा तीव्र गति के साथ दौड़ पड़ा। धूमतारा मुझे उस स्थान का दिशा ज्ञान करा रहा है जहां परिया मौजूद है। जल्द ही वो रोक चुका था उन परियों की राह। मेरा नाम धूमतारा है, मुझे पता है कि तुम सब मेरी सूरत देखकर मुझ पर मोहित हो चुकी होगी, किंतु क्या करूं, विवाह तो मैं तुम में से एक से ही कर सकता हूं। इस कहानी को यही खत्म करते हैं, इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट टू में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और हाँ, अगर आपको ऑनलाइन राज कॉमिक्स, मनोज कॉमिक्स, डायमंड कॉमिक्स, अमर चित्रकथा, रामायण, महाभारत जैसी और भी अच्छी अच्छी बुकें खरीदनी हो तो आप एक बार मेरा डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करो, वहां पे मैंने एक लिस्ट तैयार कर रखी है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।